आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे YouTube चैनल पर शेयर हो गया टीबी के बारे में हमेशा कुछ न कुछ नई नई जानकारी दी जाती है, जिससे आम आदमी टीबी के रोग के बारे में अपनी समझ को बढ़ा सके और टीबी के रोगियों के लिए बेहतर से बेहतर उपचार की व्यवस्था की जा सके। इसी के मद्देनज़र आज हम आपको बच्चों में क्षय रोग का उपचार किस प्रकार किया जाता है या कौन कौन सी दवा किस प्रकार बच्चों को दी जाती है उसके बारे में बताने जा रहे हैं। तो वीडियो को पूरा देखें, स्किप नहीं करें, क्योंकि बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको बताने जा रहे हैं। ज़्यादातर वयस्क व्यक्तियों में टीबी की जो दवा आती है उसके बारे में हर आदमी को जानकारी होती है, लेकिन बच्चों के मामले में ये जानकारी बहुत ही कम लोगों को प्राप्त होती है, जिससे कि वो कई बार दवा देने में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम आज इस वीडियो में सारी चीज़ों को क्लियर करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं बच्चों में क्षय रोग का उपचार। राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत बच्चों में टीबी का उपचार 6 वेट बैंड यानी कि 6 श्रेणियों में दैनिक खुराक के रूप में किया जाता है। 18 वर्ष तक के सभी किशोरों और 39 किलोग्राम से कम वजन वाले बच्चों का इलाज बच्चों के वजन बैंड और 39 किलोग्राम से अधिक वजन वाले बच्चों का इलाज वयस्क वजन बैंड के अनुसार किया जाता है। यानी कि जिन बच्चों की उम्र 18 वर्ष है और जिनका वजन 39 किलो से कम है तो उनका उपचार पेडियाट्रिक टीबी की तालिका के अनुसार किया जाता है, और यदि बच्चों का वजन 39 किलो से ज़्यादा है तो उन्हें वयस्क व्यक्तियों की वेट बैंड या वजन की कैटेगरी के अनुसार उनका इलाज किया जाता है। तो मुख्य उत्पाद जानकारी जो बच्चों के लिए है उनमें बच्चों में 3FDC का प्रयोग किया जाता है, यानी कि वयस्क में 4FDC चलती है उसी प्रकार बच्चों में 3FDC का प्रयोग किया जाता है, और इथेम्बिटोल टेबलेट को अलग से दिया जाता है, यानी कि HRZ ये 3FDC में आती है और इथेम्बिटोल बच्चों को अलग से दी जाती है। इसका कारण यह है कि बच्चों में नेत्र संबंधी ADR की निगरानी के लिए इथेम्बिटोल को अलग से दिया जाता है। तो डिस्पर्जिबल जो FDC है वो फ्लेवर्ड आती है, वो एकदम घुलनशील है और बच्चे आराम से उस दवा को ले सकते हैं, चाहे आप उसको दूध में घोल कर देवें या पानी में घोल कर देवें। तो 3FDC है उसमें रिफामसिन जो R है वो 75 mg एक टेबलेट में आती है, प्लस आइसोनाजाइड जो H है वो 50 mg और पाइरिजनामाइड Z वो है 150 mg जो 3FDC है उसमें आती है, और जो बच्चों में 2FDC जो CP में चलती है उसमें रिफामसिन 75 mg होती है और आइसोनाजाइड H 50 mg की मात्रा उसमें होती है। डिस्पर्जिबल लूज ड्रग जो इथेम्बिटोल है वो 100 mg की आती है, वो भी डिस्पर्जिबल है, आराम से आसानी से पानी में घुल जाती है, और उसके साथ आइसोनाजाइड अगर अलग से देते हैं तो वो भी 100 mg की डिस्पर्जिबल आती है। और पेडियाट्रिक टीबी में दवा की खुराक जो सारणी है उसमें किस प्रकार देंगे हम वो देख लेते हैं। तो गोलियों की संख्या डिस्पर्सिव FDC, वजन श्रेणी या भार संख्या वेट कैटेगरी, इसमें 6 प्रकार की कैटेगरी बनाई गई है। इंटेंसिव फेज वही 56 दिन का और कंटिन्यूस फेज वो 112 दिन का होता है। HRZD में 50 mg H, 75 mg R और Z 150 mg और इथेम्बिटोल 100 mg की टेबलेट देनी होती है, और HR में 50 mg H और रिफामसिन 75 mg और उसके साथ इथेम्बिटोल 100 mg जो CP में चलती है। अगर किसी बच्चे का वजन 4 किलो से लेके 7 किलोग्राम है तो उसमें
HRZ की एक टेबलेट देंगे और E की एक टेबलेट देंगे। इंटेंसिव फेज में और कंटिन्यूस फेज में भी एक एक गोली दी जाएगी, उसमें 2FDC की एक गोली और इथेम्बिटोल एक गोली दी जाएगी। अगर किसी बच्चे का वजन 8 किलो से लेकर 11 किलो के बीच में है तो उसे दो गोली दी जाएगी, HRZ की और इथेम्बिटोल की भी दो गोली दी जाएगी, और कंटिन्यूस फेज में भी HR की दो गोली और इथेम्बिटोल की दो गोली दी जाएगी। और बच्चे का वजन अगर 12 से 15 किलोग्राम है तो तीन गोली HRZ और E की तीन गोली, और HR की कंटिन्यूस फेज में तीन टेबलेट और इथेम्बिटोल की भी तीन टेबलेट। और अगर बच्चे का वजन 16 किलो से 24 किलोग्राम के बीच में है तो 3FDC की चार गोली और इथेम्बिटोल की चार गोली, और कंटिन्यूस फेज में 2FDC की चार गोली और इथेम्बिटोल की चार गोली। अगर बच्चे का वजन 25 किलो से 29 किलोग्राम के बीच में है तो यहाँ थोड़ा अपने को देखने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ 3FDC की तीन टेबलेट दी जाती है, उसके साथ एक टेबलेट अडल्ट वाली दी जाती है, प्लस इथेम्बिटोल की तीन गोली दी जाती है। और CP में 2FDC की तीन गोली प्लस वन अडल्ट 3FDC की दी जाती है, और इथेम्बिटोल तीन गोली दी जाती है। और अगर बच्चे का वजन बढ़ के 30 किलो से 39 किलोग्राम के बीच में है तो टू टेबलेट 3FDC की और टू टेबलेट अडल्ट वाली 4FDC की दी जाती है, और इथेम्बिटोल दो गोली दी जाती है। इसी प्रकार अगर कंटिन्यूस फेज में है तो 2FDC की दो गोली और अडल्ट वाली 3FDC की दो गोली दी जाती है, और उसके साथ इथेम्बिटोल की दो टेबलेट दी जाती है। अडल्ट FDC में HRZE 75, 150, 400 और 275 mg होता है, और 3FDC जो HRE होता है अडल्ट, उसमें 75 mg H, 150 mg R और 275 mg इथेम्बिटोल की खुराक होती है। इसे हायर वेट बैंड श्रेणियों जिनमें 25 किलो से अगर ज़्यादा वजन है में दिया जाता है, क्योंकि ये बच्चे गोलियां निकलने में सक्षम हो सकते हैं। वजन बैंड में परिवर्तन वजन बढ़ने घटने की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है, यद्यपि वजन बैंड को पार करने पर ही प्रभावी होता है। यानी कि यदि किसी का वजन 15 किलो है और उसके 3FDC की तीन टेबलेट चल रही है और इथेम्बिटोल तीन टेबलेट दी जा रही है, और अगले ही महीने अगर उसका वजन 16 किलो हो जाता है तो उसको चार गोली 3FDC और चार गोली इथेम्बिटोल की देंगे, वो अगले वजन बैंड की श्रेणी में चला जाएगा। इसमें 5 किलो वजन घटने या बढ़ने का क्राइटेरिया नहीं होता है। बच्चों में वजन बढ़ते ही वेट बैंड चेंज हो जाता है। आयु पर निर्भर नहीं करते हुए चिकित्सा में INH प्राप्त करने वाले सभी बच्चों को प्रतिदिन 10 मिलीग्राम की खुराक पर पाइरिडॉक्सिन दिया जा सकता है। या हम एज फैक्टर को ध्यान में नहीं रखेंगे, अगर किसी भी बच्चे के INH या आइसोनियाज़िड H जिन बच्चों की चल रही है उन्हें 10 mg की खुराक के ऊपर पाइरिडॉक्सिन टेबलेट दी जानी चाहिए। इससे बच्चे में किसी भी प्रकार का कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। इसके साथ ही बच्चों में जो टॉर्च की दवा है वो इस प्रकार दी जाती है। मुझे आशा है कि इस वीडियो में आपको जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। यदि फिर भी आपको किसी प्रकार का कोई संदेह है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख के हमसे सवाल पूछ सकते हैं। इसी के साथ मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद।